मैं तमाम भाइयों का मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह भरपूर तरीके से मीडिया मौजूद है, और ये क्योंकि इशू भी बड़ा सीरियस इशू है, कश्मीर का इशू है, और इस हवाले से मैं आपसे जिक्र करूँगा कि एक्टिविटी जो हमने की और हम करने जा रहे हैं पीएम साहब के हवाले से भी, और जो अभी वहाँ पर जो जुल्म की दास्तान लिखी जा रही है कश्मीर में, और पिछले 70 साल से महकूम बना के रखा हुआ है कश्मीर को हिंदुओं ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, हिंदू गवर्नमेंट ने, और उस पर बदनसीबी कि एक वो शख्स जो हिटलर के जूतों में फिट हो रहा है, हिटलर बनने जा रहा है, कि मैं हिटलर की एक शक्ल है एक मोदी जो है, और ये इसकी कोई नया अमल नहीं है, ये इसका अमल पुराना अमल है गुजरात में, इसकी जो बर्बरियत थी, जो उसने जुल्म किया था गुजरात में, और उससे उनका ये भी चीज़ उनके नकाब हटा कि उन्होंने उसमें भी जो फैसले आए वो इसी के हक में आए। ये वो शख्स है जिसे अमेरिका आने की इजाज़त नहीं थी, आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है, उसका वज़ीर आज़म है, उसकी फितरत में वही नाज़िज़्म है, उसकी फितरत में वही जुल्म है जो उसने गुजरात में किया, जिस बेदर्दी के साथ उसने जुल्म किया गुजरात के मुसलमानों पे, और उसको ये तोहफ़तन जो आरएसएस है उसने सपोर्ट करके उसको इस मुल्क का वज़ीर आज़म इंडिया का बनाया, ताकि वो मुसलमानों को यहाँ से नीस्तो नबूद करे, जो इंशाल्लाह कभी वो नहीं कर सकेगा। और ये जो डिस्प्यूट है कश्मीर की, पहले भी डिस्प्यूटेड था, आज भी इंडिया की और पाकिस्तान दरमियान एक डिस्प्यूट है, लेकिन एक एक रेजोल्यूशन है, एक एक मामला तय हैं जो यूनाइटेड नेशन में हुए थे कि ये इनको खुद मुख्तारी की इजाज़त है, उनको ये पब्लिसिट करने की इजाज़त है, वहाँ वो करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये ऐसे हिंदुओं का मजाज आपने देखा कि एक अनफॉर्चुनेटली मैं हिंदू हमारे भी इधर हैं, मैं हवाला ख़ास तौर पर दे रहा हूँ इंडिया के हवाले से, जो आर एस एस की जो नाज़िज़ हैं वहाँ के, जो आर एस एस जो ज़हनी तौर पर जो एक मफलूज हैं, और ये याद रखिए जो कमज़ोर लोग होते हैं, ये जो इनकी मेंटेलिटी है, इनकी मेंटेलिटी उन लोगों की, जो कमज़ोर लोग जब ताकत में आते हैं वो जुल्म करते हैं, और उन्होंने ये जो जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है कश्मीर में और पूरे इंडिया में, तो ये उससे इसकी अक्कासी होती है कि ये इनकी सोच क्या है। बदनसीबी से मैं अभी उसकी तारीख में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारी भी कोताहियाँ हैं, कुछ मैं कहूँगा कि पिछली जो सबका हुकूमतें थी, मैं किसी का ख़ास नाम लेने के बजाय, हमें मज़ीद इस पर जो कौम हमारे लिए जो कश्मीरी इस पाकिस्तान की मोहब्बत में 70 साल लड़ते रहे और वो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके इवन के उनके कोई जो शहीद हो जाते हैं उनको भी वो पाकिस्तान के झंडे में लपेट के उनको वो दफन कराते हैं, तो इससे उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है कि वो किस कदर पाकिस्तान से ये उनको मोहब्बत है और किस कदर उनसे अकीदत है पाकिस्तान से। हम शायद उस लेवल पे नहीं जा सके जो दौर गुजरा हमारा, लेकिन हमें अब होश के नाखून करने लेने चाहिए और होश करनी चाहिए कि अब ये वक्त आ गया कि ये वो एक शब खून मारने जा रहे हैं, मार दिया उन्होंने बल्कि, लेकिन उनको भी ये पैगाम है कि कागज़ों से अगर ये चीज़ें ठीक हो सकती तो ये कागज़ तो पहले भी ये कर सकते थे, ये रेजोल्यूशन पहले भी पास कर सकते थे, इनकी सबका असेंबलियाँ भी पास कर सकती थी, लेकिन उनको पता है कि जो कश्मीरियों का जो जज्बा और जुनून है उसको कोई कागज़ या कोई रेजोल्यूशन या कोई पार्लियामेंट की चीज़ उसको ख़त्म नहीं कर सकती, वो बढ़ गई है, बल्कि ये अब इंटरनेशनल इशू सामने ज़्यादा बढ़ के सामने आया है। ये इंशाल्लाह यही जो उनका अमल है इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद करेगा इंशाल्लाह ताला, यही अमल जो उन्होंने किया है, यही जो उन्होंने एक बर्बरियत किया है, ये मज़ीद जो जज्बा है इनका इंशाल्लाह उनका मज़ीद मजबूत होगा, उनका वैसे ही वो मुसलमानों की ये एक अल्लाह ताला ने हमेशा मुसलमान थोड़े हुए हैं और उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसी सिलसिले में कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं कल कश्मीर, और इंशाल्लाह ताला वहाँ पर कश्मीर असम्बली से भी खिताब करेंगे, और उसके अलावा वो इंटरनेशनली आप देख रहे हैं चाइना ने, टर्की ने, ईरान में, इवन के यूनाइटेड नेशन में, हर जगह पे अब एक 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 मोमेंटम बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है जिसको आगे लेके चल रहा है। कल इंशाल्लाह ये कौम जो पाकिस्तानी कौम है उनको भी इंतहाई ज़ाहिर है मोहब्बत करते हैं अपने कश्मीर भाइयों से, उनको एक अकीदत भी है, प्यार भी है, और उन्होंने हमेशा कश्मीर के साथ खड़े रहे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे इंशाल्लाह जब तक कश्मीर पाकिस्तान, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का, जो उनका सोच और अप्रोच है इंशाल्लाह वो मुकम्मल होगी, और इंशाल्लाह ताला अब जो वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और इंशाल्लाह वो हमारे भाई हैं,
और रन के लिए हम इंशाल्लाह जदोजहद मजीद तेज़ करेंगे। इसी एक हवाले से हम करने जा रहे हैं जी, कल एक रैली करने जा रहे हैं जिसमें तमाम फेडरल मिनिस्टर्स, बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स, MNAs, MPAs, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के, मतलब इसके अलावा हमारे जो जो टीमें हैं, हमारी जो जमात है तहरीक-ए-इंसाफ की जमात के सारे वर्कर्स, उसके डाई हार्ट जितने हैं, जिनको सब लोग जो इंशाल्लाह कल लियाकत बाग में इंशाल्लाह एक रैली का एक निकाद होगा और रैली इंशाल्लाह वहाँ से तकरीबन 3 बजे, हमने दो बजे का कहा हुआ है, 3 बजे हम चलेंगे इंशाल्लाह और 3 बजे वो रैली इंशाल्लाह तमाम जो लोग हैं इनके साथ और तमाम वर्कर्स के साथ आएगी D-Chowk तक, और D-Chowk में इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे जो हमारे लीडरान हैं और जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो इंशाल्लाह ताला खिताब भी करेंगे और इसके हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन मैं मीडिया का हमेशा एज ऑलवेज के हमेशा PTI का स्पेशली कहूँगा, क्योंकि PTI के हवाले से बात करूँ ऐसे सेक्रेटरी जनरल की, हमें मीडिया हमेशा बड़ी सपोर्टिव रही है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और सेकेंडली ज़ाहिर है ये मीडिया हो या हम हैं या कोई भी पाकिस्तान में लोग हैं, कोई भी हों, वो उनका सबका दिल कश्मीर का धड़कता है, इसलिए मैं मीडिया में देखा है कि बड़ा मीडिया के अंदर भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है कश्मीरी का और वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और उसको दिखा भी रहे हैं। तो मैं उनसे कल भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कल शाम तक इंशाल्लाह हम 6 बजे के करीब इंशाल्लाह D-Chowk पहुँच जाएंगे और कुछ मीडिया हमारे साथ भी होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया से और आम के वो भी तशरीफ़ लाएँ, वो हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है जवाब साहब, ये मैनेज भी कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, और आप ही की तवसत से मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम पिंडी के लोग, जो पटवार के लोग हैं और जो डिवीज़न है पिंडी की, ख़ास उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है, तो वो कल लियाकत बाग 2:30 बजे या 2:30 के दरमियान पहुँच जाएँ और इसमें इस कॉज के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर हमारे सबके दिलों में धड़कता है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हमने कल भी मीटिंग की, आज भी कर रहे हैं, ईद उनकी आज़ादी या उनकी तकलीफ़ में हमारी ईद कोई ईद नहीं है, और इंशाल्लाह ताला हम इसीलिए कल से ये सारा कुछ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये क्योंकि एक सिलसिला है जो चलेगा, इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे और इस मंजिल पर पहुँचेंगे जो हमारे सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश भी है और ख्वाब भी है। इंशाल्लाह कल हम 2:30 बजे लियाकत बाग से इंशाल्लाह रवाना होंगे, बाकी आपके सवाल जवाब होंगे। शेख साहब बिल्कुल इन्वाइटेड हैं, तमाम MNAs, MPAs और तमाम लोगों को मैंने ज़ाती तौर पर फ़ोन किया है और सब इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं, गुजर खान से भी यहाँ आगे पीछे जहाँ भी हैं हमारे MPs, इस जो ख़ास तौर पर जो हमारा पिंडी डिस्ट्रिक्ट है और बाहर से भी थोड़े बहुत होंगे, लेकिन वो अपने अपने एरियाज़ में कर रहे हैं तो वो यहाँ भी होंगे, लेकिन जनरली क्योंकि पिंडी एक बड़ा इलाका है उसमें MPAs और MNAs हमारे मेजोरिटी जीते हुए हैं और बाकी हमारे वर्कर्स हैं, तंजीमें हैं, वो सारी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस्लामाबाद अपने लेवल पे उनको भी मैंने कहा हुआ है, इस्लामाबाद की जो MNAs तीन हैं उनको, उनसे भी बात हुई है, उनकी जो टीम है वो हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी बैठे हुए भी हैं, हाँ फरीद साहब आ गए हैं, तो फरीद साहब इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह इन्होंने सारा से मेरे अभी कोई आधा घंटा पहले प्रोग्राम डिस्कस हो चुका है ये कहाँ कहाँ मर्ज करेंगे, तो इंशाल्लाह एक हमने मैसेज एक्चुअली देना है एक यूनिटी का, एक स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन का, जो इंशाल्लाह ताला कल आप देखेंगे इंशाल्लाह जो आवाम निकलेगी रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए जी, हमने जनरली कल हम सारे कश्मीर के झंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने जो मीटिंग की उसमें मैंने रिगार्डलेस जो मैं डिफरेंट जगह पे गया कल से, तो उसमें हमने सबको इनवाइट किया है, लेकिन आप अगर कहें कि बाज़ाब्ता हमने उनको कहा हो, वो हमने उनको नहीं कहा, लेकिन इंशाल्लाह ये सब के लिए ये कॉज है और ये वो इतना बड़ा कॉज है कि जो हर पाकिस्तानी का है, हम उन वो हमसे कम पाकिस्तानी नहीं है, उनको भी जाहिर है कि वो चाहते हैं कि इसको कंट्रीब्यूट किया जाए, तो इंशाल्लाह बल्कि भी हो सकता है कि फिर ये अच्छा है हम उसको मज़ीद इनको इन्वॉल्व करेंगे। देखें नहीं, गंडापुर साहब मेरे साथ कल की तमाम मीटिंगों में थे, अभी भी मेरे साथ थे, उनका एक कमिटमेंट थी, अभी पिंडी से मेरे साथ ही आए हैं, वहाँ हमने मीटिंग भी पिंडी में की है
अभी मेरे साथ मौजूद थे, सुबह से हम इकट्ठे हैं और कल रात को भी हमारी, कल शाम से भी इकट्ठे ही थे क्योंकि उनके एक ऐसी थी ज़रूरत पड़ी उनको आने की। तो मैं आपको पहले आपके सवाल देखें, बहुत डिफरेंट है। आपने एक क्रेडिबल, मैं अपनी पार्टी के हवाले से आपसे बात करूँगा। देखिए, आपने अमेरिका में भी देखा जब पीएम साहब गए, जो लोगों के अंदर उनके अंदर एक कमिटमेंट थी और लोगों के अंदर एक जो ट्रस्ट था, होप थी, वो पीएम इमरान खान के साथ थी। और ये सबको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, हर बंदे को मैं समझता हूँ मीडिया हमसे ज़्यादा जानता है कि जो सबका द्वार में क्या होता रहा, किस किस्म की कमेटियाँ, कश्मीर कमेटी क्या करती रही, क्या उनके मामलात चलते रहे, किस तरह चलते रहे, उसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मैं इस सिचुएशन में सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इशू है, तो मैं इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय इसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। और आप हमारी बात करेंगे, यूएन आप देख लें, चाइना देख लें, टर्की देख लें, मलेशिया देख लें, और आहिस्ता आहिस्ता देखें चीज़ बिल्ड होती है। ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके बारे में सुबह देख रहा था कमांडर, उनकी जो इंडिया में शोर मचा हुआ है, एक हंगामा मचा हुआ है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, पेट्रोल मंगवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया, ये वो चेंजेस हैं जो कभी पीछे नहीं थी, और अभी इंशाल्लाह ये चीज़ बिल्ड हो रही है। और ये एक हमें एक अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी भी है, और आप देखेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम ये मोमेंटम इतना बड़ा होगा कि इंडिया से ये संभाला नहीं जाएगा। सबका लोगों की मैंने मुख्तसरन बात की, और मैं इस सिचुएशन में उनका शेडो, जो उसका इशूज़ का शेडो, इस पर हम नहीं चाहते कि पड़े और हम खाम खा एक चीज़ को डाइवर्ट करें। हमें सिर्फ इस वक्त फोकस करना है कि कश्मीर के इशूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाए और हाउ टू मेक वे फॉरवर्ड। देखें बात ये होती है कि आप एज्यूम कर, आप एक चीज़ के असेसमेंट करते हैं कि कर कौन सकता है। खान साहब का जो कौन पॉइंट था वो ये था कि अगर पॉसिबिलिटी बनेगी, जैसे लास्ट टाइम इनके लीडर थे वाजपेयी साहब गालबन थे, तो उन्होंने भी, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ है, आप कश्मीर का इशू उसी से डिस्कस कर सकते हैं या उसी ताकत से कर सकते हैं जो लोग जो ताकतवर हों। हमने उस एंगल से बात की थी, हमने ये तो नहीं कहा था क्योंकि बड़ी ख्वाहिश है कि कश्मीर हमारे हवाले किया जाए, हमने कहा था कि उन, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ये बन सकती हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ आएगी, जो कि वो मेजॉरिटी में हैं, 100 करोड़ लोग हैं, वो वन पेज पे हैं, तो कश्मीर बैठ के हम रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस वॉज द इशू, ये नहीं कि हम चाह रहे वो हमें उन्होंने कोई गोद में देना था, ऐसा नहीं था। तो हमें जो लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली जो हमने चीज़ें देखी, हमने उसके वाले से बात की। देखिए उन्होंने नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि उम्मत के मुहाफ़िज़ उधर, उन्होंने कहा जी कि लोग इस्लामिक स्टेट के लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनकी वहाँ पे हैं, तो वो कॉन्शियस हैं, मतलब ये इसको थोड़ा सा प्लीज़ उसको, उसके बाद जो उन्होंने पूरी तकरीर की उसको भी हमने आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ चल रहे हैं, कहीं लोगों की, देखें हर कौम याद रखें उनके अपने प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो ममालिक जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया था और सबसे बड़ा उनसे इम्पोर्टर्स है, वो भी बोले हैं। चाइना एक ताकत है, देखिए ईरान इंपॉर्टेंस समझें, ईरान और चाइना आपके नेबर्स हैं, उनका जो इम्पैक्ट है वो चौथी स्टेट का शायद ना हो। तो ये जो दो इंडिया के जो हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह मैं आपको बड़ा श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी जब इंटेंशन, तो इंशाल्लाह नियत ठीक है, पीएम साहब का एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, आप इस इशू को रेज होता हुआ पाकिस्तान की फेवर में इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए अगर मैंने फिर कहा कि उनकी अगर बड़ी लंबी स्पीच थी, उसमें एक उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था, और अगर आप एक किसी अनफॉर्चुनेटली हमारे सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि कभी कभी हम पूरी गुफ्तगू में एक क्लिप
क्लिप भी नहीं, चार जुमले उठाते हैं और लगा देते हैं, उस बंदे को अटैच कर देते हैं। मैं समझता हूँ हमें इससे आगे निकलना चाहिए, कश्मीर इशू पे हमें एक पेज पे होकर आगे जाना चाहिए। मैं यहाँ जानता हूँ कि मीडिया को बड़ी क्लैरिटी है कि शाह साहब ने क्या कहा। इंडिया मीडिया अगर उठा रहा है तो उसका मतलब है कि उनको वो चीज़ हिट की है, इसलिए वो पूरी तकरीर को हिट किया, वरना अगर एक बंदा उनकी फेवर में कुछ बात कर भी देता वो कभी उसको इस तरह जिक्र ना करते। और शाह साहब बड़े क्लियर हैं इस मामले में, शाह साहब ने जो रिज़ाइन भी किया आपको पता है वो उस अमेरिकन इशू जो बना था उसका वो जो डेविस का उस पर किया। तो रेस्ट श्योर गवर्नमेंट बिल्कुल फोकस्ड है, पीएम साहब बिल्कुल फोकस्ड है, तंजीमें फोकस्ड हैं, पीटीआई फोकस्ड है, पूरी कौम फोकस्ड है, जो हुआ वो हुआ। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको फिर बड़े वसूख से ये कहने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में आप इस इशू को पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होता हुआ देखेंगे और कश्मीरियों की तरफ होते रहेंगे। इंशाल्लाह कश्मीरी में कश्मीरियों को कागज़ की मोहताज नहीं है, वो उनके जज्बे हैं जो इंशाल्लाह का कारामद होंगे, इंशाल्लाह उनका रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह ताला। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं आपको फिर गुजारिश करूँगा, कौम 10 20 50 बंदों का नाम नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम एक पूरी कौम है जिसमें करोड़ों लोग हैं, 22 करोड़ लोग हैं। इसमें अगर 15 20 बंदे के अगेंस्ट कोई इनके सबका मामलात की वजह से कोई केसेस चल रहे हैं, उसका तलक इस 22 करोड़ से नहीं है। उन 22 करोड़ में कश्मीर बड़ा क्लियर है, उनका दिल बिल्कुल क्लैरिटी है दिमाग और दिल में कि कश्मीर के लिए वो लड़ रहे हैं। उनको अगर कुछ लोग अगर मिसाल के तौर पे उनके कोई केसेस चल रहे हैं या उनके कोई इश्यूज हैं वो उनके ज़ाती इशू हैं, अगर उसको वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ बदकिस्मती है, नहीं करना चाहिए। और वो अपना जो मामला उनको सीधा करें कश्मीर, हम उनको ये तो नहीं कह रहे कि आपकी कुछ कश्मीर में आपकी आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं, हमने नहीं कहा, हम ये कहते हैं लेकिन जो आपके मामला चल रहे हैं उनको तो आप क्लियर करें, तो वो इंशाल्लाह ताला आप जब आपके साथ कौम खड़ी होती है ना जी वो इंशाल्लाह कभी हारती नहीं। जी जी देखिए उसमें यह है कि जो गिरफ्तारियां मैंने देखी हुई हैं, जो देखिए उसमें जो बेसिकली तो थी अब जो केसेज एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने पिछले इतवार में बनाए हैं वही केसेज हैं, कोई नया गवर्नमेंट कोई इनिशिएट ही नहीं कर रही, कोई किया भी नहीं है। और वो ज़ाहिर है सिर्फ ये किया कि उनको ज़रा ट्रांसपेरेंसी दे दी है, उसको ज़्यादा क्लैरिटी दे दी है, और इंशाल्लाह ताला वो उससे ज़्यादा क्या होना है, अब वो जो मामला उनके चल रहे हैं वो अदालतों में वो भुगतेंगे खुद ही। बाकी कश्मीर में इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों से मुराद है कोई भी जो इस किस्म की ले के सोच चल रहे हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने फिर कहा कि ये कौम का इशू है, कौम जो है ये नेशनल इशू है, और ये इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल लेवल पर हम ले कर जा रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। थैंक यू, थैंक यू।